यूपी में जब मंत्री आजम खान की भैंस चोरी हो गई थी तो स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया था, लेकिन आम आदमी की कार, मोटरसाइकिल, साइकिल और अन्य सामान चोरी होने पर भी न्याय के लिए बार बार थानों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। साइकिल चोरी जैसे मामलों में तो कई बार थानों में रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती। ऐसा ही एक मामला कैथल में सामने आया है, जहां पर एक समाजसेवी की साइकिल चोरी होने के बाद पुलिस द्वारा सुनवाई न किए जाने से आहत समाजसेवी ने शहर के मुख्य पिहोवा चौक पर धरना शुरू किया है। उनका कहना है कि 6 जून को उनकी साइकिल मिनी सेक्रेटरीट के पास रतिराम हॉस्पिटल के पीछे से चोरी हुई थी, जिसकी शिकायत उन्होंने 7 जून को सिविल लाइन थाने में दर्ज करवाई थी, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो समाजसेवी ने कैथल एसपी से मुलाकात करनी चाहिए, लेकिन उन्हें एसपी महोदय से मिलने नहीं दिया गया, जिससे आहत होकर समाजसेवी ने अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत की है। धरने के बाद कैथल के अनेक गणमान्य व्यक्ति उनको साइकिल भेंट करने के लिए पहुंच गए, लेकिन समाजसेवी रमेश जांगड़ा का एक ही कहना है कि उन्हें उनकी वही साइकिल चाहिए। साइकिल के पीछे उनका मकसद है न्याय मांगना, क्योंकि रमेश जांगड़ा के आरोप के अनुसार पुलिस प्रशासन जब साइकिल चोरी के मामले में सुनवाई नहीं कर रहा तो बड़े बड़े साधनों की चोरी पर क्या सुनवाई करता होगा। रमेश जांगड़ा ने कहा कि जब तक पुलिस के उच्च अधिकारी आकर उनसे नहीं मिलते तब तक वे अपना धरना जारी रखेंगे। धरने की सूचना पाकर समाजसेवी अंग्रेज सिंह गोराया निवासी डेरा गदला रमेश जांगड़ा को साइकिल भेंट करने के उद्देश्य से धरना स्थल पर पहुंचे, लेकिन समाजसेवी रमेश जांगड़ा ने किसी भी प्रकार की साइकिल लेने से मना किया। रमेश जांगड़ा ने कहा कि उन्हें वही साइकिल चाहिए जिसकी बरामदगी पुलिस प्रशासन करेगा। समाजसेवी अंग्रेज सिंह ने कहा कि साइकिल के लिए धरना देने का रमेश जांगड़ा का मकसद न्याय के लिए लड़ना है, क्योंकि आज न्याय पाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। रमेश जांगड़ा उसी लड़ाई का हिस्सा है और समस्त शहरवासियों की भावनाएं उनसे जुड़ी हुई है। हुई थी और कब धरने पे बैठे हैं, क्या आपकी मांग है? 6 जून को रतिराम हॉस्पिटल के पास ट्रैक साइड वाली गली में, वहाँ पे मैंने ताला लगा रखा था लोग, तो वहाँ के मैं कुछ देर के लिए 10 मिनट के लिए काम चला गया था। जब मैंने वापसी आके देखा वो साइकिल गायब थी, मेरे हाथ पाँव खोल गए। मैंने इधर देखा उधर देखा तो साइकिल नहीं मिली। फिर मैंने सामने देखा एक कैमरा लगा हुआ था, मैंने उसकी फुटेज निकाली। फुटेज में एक चोर जो सफेद कुर्ता पजामा पहन रहा है, खंड का मुंह लगा रहा है, वो साइकिल के नज़दीक आके पीली वाली पिन लगा था। उसके बाद उन्होंने पीछे से एक पार निकाली, पार के साथ तो एक दो ही मिनट में पार तोड़ दिया। पार तोड़ कर वो साइकिल के चढ़ते सीधे जान रोड की तरफ हो गई। शिकायत दी आपने? हाँ जी, कहीं से? हाँ, शिकायत दी है मैंने। ये 7 तारीख को रिपोर्ट दर्ज कराई है 21 सेक्टर में थ्री व्हीलर। कोई कार्रवाई हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है पुलिस की तरफ से। एसपी से मिले? हाँ, एसपी से मिला था जी 3 दिन पहले। जब मैं 3 दिन पहले एसपी ऑफिस में गया तो ऑफिस के बाहर दो पुलिस वाले बैठे थे, उन्होंने प्रमुख समाजसेवी के साथ बदतमीजी की। उन्होंने कहा लड़का नहीं आते, तो मैंने कहा कि मैं शहर का प्रमुख समाजसेवी हूँ, कौन कैसे नजर आते यहाँ। तो ऐसे में दो पुलिस वाले हो रहे, वो कहने लगे ये समाजसेवी है भाई, तो पुलिस से मिलवाओ। तो वो दो तीन पुलिस वाले एसपी के पास गए, उन्होंने एसपी साहब को उल्टा डाइज कर दिया। तो उसकी गुफ्तगू करके आपस में वो एसपी साहब पिछले दरवाजे से ऐसे गए जैसे कोई तोड़ जाता है पिछले दरवाजे। तो फिर मैंने देखा मैं उसको डालिए, मैं दौड़ के वहाँ से गया। मैंने कहा जैन सर, एसपी साहब ने नज़र मिलाई, नज़र चुरा के नीति नहर करके चले गए। तो मैंने कहा भी मैं एक समाजसेवी हूँ, मैं आपसे बात न्याय लेने के लिए आया हूँ, कम से कम एक बात सुन लो आप। तो उन्होंने कोई नहीं सुनी, वाकई बड़े। तो मैंने कहा जी माँ ठीक है जी। तो जैसे वो नीचे उतरे मैंने कहा मैं कार में गई, मैं दौड़ा दौड़ा फिर नीचे आया। मैंने कार की खिड़की से नीचे देखा जाँच के, एस पी साहब ने भी नज़र मिलाई, ये तो समाजसेवी है, अनदेखी कर दी मेरी बात को। ड्राइवर को कहने लगे भी चल लेकर इसको। तो मैं बड़ा हाथ होया, दुखी होया, फिर समाजसेवी की आवाज़ जो है ना जी सुनवाई न्याय नहीं मिला। तो आम आदमी को क्या न्याय मिलेगा उनके साथ में? कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है कहते हैं, ना ही सुधार नाम की कोई चीज़ है कहते हैं। तो आप धरने पर बैठे हैं, आज कोई आपके यहाँ मिलने आया पुलिस कर्मचारी या कोई पदाधिकारी? यहाँ पे SHO सिविल लाइन का आया, उन्होंने कहा कि समाजसेवी जी हम आपकी जैकेट की चोर को और जांच कर रहे हैं पकड़ने की, तो इसमें चोर को भी पकड़ेंगे और जैकेट को भी। उन्होंने मेरे से थोड़ी SHO में रिक्वेस्ट की है कि आप थोड़ा धरना समाप्त कर दो, हमें टाइम दीजिए,
मैंने कहा भी मैंने प्रशासन को पहले ही 10 दिन का टाइम दे रखा था, अब वो क्या टाइम दें? अब तो आपका काम है जांच करना, लोगों को पकड़ो, शायद उड़ाने जाओ। पहले ही मैंने 10 दिन का टाइम दिया। कोई समाज सेवी आया आपके पास साइकिल देने के लिए? हाँ, यहाँ पर शहरवासियों की तरफ से 5 लोगों रोटा में मैं रहता हूँ। अभी मेरे को 1 घंटा पहले पता लगा जी, अपने जंगड़ा साहब जी चौक पे धरने में बैठे हैं, तो मेरे को पता लगा भी इसका साइकिल 8-10 दिनों से गुम हो गया है। तो मैंने जब भी इसके धरने पे आने का इसलिए आया हूँ भाई, भाई साहब मैंने तो ये भी कहा भी अगर धरने पे मैं अभी तुरंत अभी इसको गिफ्ट देता हूँ साइकिल, और आप अपने घर चले जाओ। लेकिन इसकी मांग ये है कि मेरे को तो वही पुराना साइकिल चाहिए, और प्रशासन के जरिए ये चोर को ढूंढा जाए, तब मेरी संतुष्टि होगी। इसको गिफ्ट की वो बात नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं अभी धरना उठाता हूँ और साइकिल दे दूँ। वाली नहीं साइकिल, मेरे को तो वो ही मेरा साइकिल नहीं वाली। साइकिल चोरी के बाद एक मैसेज तो देना चाहता है कि आए। हाँ, इसकी ये है, झांगड़ा साहब सामाजिक बंदे हैं और समाज के काफ़ी लोग, बहुत सामाजिक लोग इसके साथ धरने पर आ जाएंगे अगर इसका साइकिल की तलाश जारी नहीं हुई। इसलिए प्रशासन से बेहतरी है, ये गरीब बंदा है, इसका साइकिल की तुरंत कार्रवाई की जाए और साइकिल उठा जाए। मालिक मैसेज देना चाह रहे हैं प्रशासन को कि आप साइकिल कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन न्याय कितना जरूरी है। हाँ, इसका मैसेज ये है भी, एक मैसेज ये भी, एक गरीब का साइकिल है या अमीर का ये बात नहीं है, ये तो एक लाभ रही है। प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए कि इन चीज़ों का स्पेशल ध्यान रखें, भी ऐसी भारत से आकर के लिए ना होने दें, और जिससे सभी का ये अमीरी गरीबी का कोई इसमें वोट आते मैसेज है। कैथल से खबरनामा हरियाणा के लिए कृष्ण प्रजापति की रिपोर्ट।